नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए गणेश जी की कहानी लेकर आए हैं। तो कहानी इस प्रकार है, एक बार गणेश जी अपने लोक में आराम कर रहे थे। उनके मन में विचार आया, क्यों ना बालक बनकर पृथ्वी पर जाया जाए और अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा ली जाए। फिर गणेश जी एक बालक का रूप बनाकर धरती पर आते हैं और एक चम्मच में दूध और चुटकी में चावल लेकर इधर उधर घूमने लगते हैं और सभी से कहने लगते हैं कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, और उस बच्चे की बात कोई भी नहीं सुन रहा होता है। उस बच्चे का सब उपहास उड़ा रहे होते हैं, क्या इसकी भी खीर बनेगी। जब गणेश जी घूम रहे होते हैं तो वहीं पर एक बूढ़ी औरत अपनी झोंपड़ी के पास में बैठी हुई थी। वो उस बालक से प्रेम से बोली, ला बेटा मैं बना देती हूँ तेरे लिए खीर। अब उस बूढ़ी औरत के घर में जो छोटा सा बर्तन था उसी में उसने वह चावल और दूध डालकर खीर चढ़ा दी। अब देखते देखते क्या हुआ कि वह सारे बर्तन पूरे भर गए। अब बूढ़ी अम्मा ने बड़े बर्तन में भी खीर पलट दी, तब भी खीर बहुत सारी शेष बच रही थी। तब अम्मा ने कहा कि मेरे पास जो बर्तन थे वह सारे भर चुके हैं। तब बालक ने कहा कि अम्मा चिंता मत कर, जो तेरे पड़ोस में और बर्तन हो वह भी मांग ला। अब खीर इतनी बन चुकी थी कि अम्मा ने कहा कि बेटा खीर इतनी बन चुकी है, इतनी खीर का हम क्या करेंगे। तब गणेश जी ने कहा कि अम्मा सारे मोहल्ले में नौता दे आ कि खीर बनी है, खीर खाने आ जाओ। अब बूढ़ी अम्मा सारे नगर मोहल्ले में कह आई कि आज मेरे घर खीर बनी है, खीर खाने आना, खीर खाने आना। यह सुनकर नगरवासी मोहल्ले वाले अम्मा की बात सुनकर सब हंसने लगे कि खुद तो इतनी गरीब है और हमें ये खीर का नौता देने आई है और हमें खीर खिलाएगी। कुछ लोग तो मजाक बनाने के लिए अम्मा के घर आए, खा पी कर आए कि वहाँ से हमको कहीं भूखा ना आना पड़े। जब वह बूढ़ी औरत खीर का नौता देने गई तब उसकी बहू ने सोचा कि कहीं मेरे लिए खीर बचेगी या नहीं। तब उसने खीर को एक कांसे के बर्तन में रख कर और बोला, हे गणेश महाराज आपको भोग लगे, कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। फिर बहुत सारे लोग खीर खाने आए, सब ने पेट भर के खीर खाई। जब सब खीर खाकर चले गए तब बूढ़ी औरत ने गणेश जी से बोला, यानी कि उस छोटे बालक से बोला कि चल बेटा अब हम भी खीर खा लेते हैं। तब बच्चा बोला, माँ मेरा तो भोग लग गया, मैंने तो खीर खा ली। तब बूढ़ी औरत बोली, बेटा तुझे कब भोग लग गया, तूने कब खीर खा ली। तब बालक ने बोला कि माँ तेरी बहू ने सबसे पहले खीर जब कांसे के बर्तन में रखी थी तो उसने कहा था, गणेश तुझे भोग लगे, तभी मैंने खीर खा ली थी। तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा क्या तू गणेश है। तब बच्चा बोला, हाँ माँ हूँ तो गणेश। अब गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तब जाते जाते गणेश जी उसकी झोंपड़ी पर लात लगा गए, जिससे उसकी झोंपड़ी महल में परिवर्तित हो गई, नौकर चाकर हो गए, धन दौलत का भंडार हो गया। जिस प्रकार श्री गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत पर कृपा करी, ऐसी कृपा गणेश जी अपने सभी भक्तों पर करें।